नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसोमित लाइव न्यूज। और आप सबको बता देना चाहते हैं कि आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज 26 जनवरी है और हमारा देश जो है 74वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है। इसके उपलक्ष्य में सभी जो हैं पदाधिकारीगण जो हैं अभी हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि कैसा लग रहा है। और हमारा जो संविधान, हमारे देश का जो संविधान है, बनाए हुए लगभग 74 साल हो चुका है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। और जो शहीद हमारे जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो बहुत सारे शहीद जो कि जवान हैं, अपना कुर्बानी देने का काम किए हैं, शहीद हुए हैं अपने देश के लिए, इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले सर हमारे साथ मौजूद हैं जो कि DSP सर, इनसे हम जानेंगे कैसा लग रहा है सर हमारा देश जो है 74वां गणतंत्रता दिवस। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग अभी स्वतंत्रता के बाद अपना जो 74वीं गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। और ये खास करके पीरो में अभी पड़ाव मैदान में भी देखने को मिला कि लोगों ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया, पूरा जोश के साथ। जितने भी स्कूल थे, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जनता है, सभी ने अपना योगदान दिया और हम लोग बहुत हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और पीरो की जितनी भी जनता है उसको 74th रिपब्लिक डे का बहुत बहुत शुभकामनाएँ हम लोग की ओर से। बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो हैं हमारे देश को आज़ाद दिलाने में या फिर संविधान लिखने में भी काम अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाए हैं, उसके बाद उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो भी आज हमारा कंट्री का जो भी स्टेटस है, हम लोग जब भी इंडिपेंडेंट 74 रिपब्लिक डे मना रहे हैं तो जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे, जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं, उनके ही कंट्रीब्यूशन के कारण हम लोग इंडिपेंडेंट हुए और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसी की उनके याद में और जो हम लोग श्रद्धांजलि देते हैं, तो उनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जो भी है हमारा कंट्री, उन्हीं का जो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके। कैसा लगा सर आज झंडा तुलंग कर? नहीं, बहुत गर्व का विषय है, इसमें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं भी उस सिस्टम का पार्ट हूँ। जब हम लोग, मतलब बहुत गर्व का विषय है कि झंडा तोलन करने का मौका मिला। ये कोई भी मेरे जैसा जो पदाधिकारी होगा उसके लिए बहुत गर्व की बात होगी कि इस तरह के कार्यक्रम में सम्मिलित होना। और आप सबको बताना चाहते हैं कि झंडा और तिरंगा जो है और देश के जितने भी शहीद लोग हैं उनका नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इस तरह से हम और भी जानने का हम कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारे साथ जो कि SDM सर हैं। कैसा लगा सर आज झंडा तोलन करके? बहुत अच्छी बात है, आज तो पूरा राष्ट्रीय पर्व के रूप में 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है गणतंत्र दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान एडॉप्ट हुआ था 1949 में, और 50 से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 26 जनवरी 50। तो जो राष्ट्रीय पर्व है तो पूरे देश के लिए गर्व की बात है ये, और इस तरह सारा देश सेलिब्रेट करता है, हम लोग भी इस पीरो में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं उसी तरह। अच्छा, बहुत सारे लोग आज ही के दिन हमारा जो संविधान जो लिखा गया है, बहुत सारे लोगों का महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है, उन लोगों के बारे में क्या कहेंगे कि जो हमारे देश का संविधान लिखने का काम किए हैं, इस पर हम लोग चल रहे हैं अभी तक? देखिए, देश जो हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ है और उसके बाद अभी जो देश हम लोग का जो लोकतांत्रिक जो देश है, ये जो इसका बेस्ट है संविधान पर चल रहा है, तो सभी लोगों का कंट्रीब्यूशन रहा है। स्वतंत्रता सेनानी हम लोग जो रहे हैं, जो हमारे संविधान के निर्माता हैं, सभी लोगों का काफ़ी अमूल्य योगदान रहा है, उनको योगदान को हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं, और उन्हीं का जो तैयार हुआ है उन्हीं के गाइडलाइन पर अभी हम लोग हमारा देश ये चल रहा है। तो उन लोगों को श्रद्धांजलि एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित किया जाता है और हम लोग सेलिब्रेट भी करते हैं। जिससे हमारे पीरो अनुमंडल में स्वतंत्रता सेनानी एक जो है अभी जीवित हैं उस पीरियड के, तो अभी हम लोग आज उनको भी हम लोग सम्मानित करेंगे। क्या संदेश देंगे इस गणतंत्रता दिवस के सुबह? गणतंत्र दिवस के पर हम लोग एक सभी लोगों को, चूँकि राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाते हैं, तो इसका मतलब कि राष्ट्रीय एकता जो है, सद्भाव जो सौहार्द है, सब बना रहे देश में, समाज में, प्रत्येक समाज में, प्रत्येक वर्ग में, पूरे देश में सामाजिक सौहार्द बना रहे, राष्ट्रीय एकता बनी रहे, और इसलिए हम लोग खुद भी इसके लिए सक्रिय हैं। और सभी से अनुरोध है कि सभी लोग इसको सेलिब्रेट करें और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सेलिब्रेट करें। आज आई और खुशी की बात है कि आज सरस्वती पूजा भी है, गणतंत्र दिवस और सरस्वती पूजा दोनों सेलिब्रेट हो रहा है, तो सभी लोगों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ और उम्मीद करते हैं कि सभी का ये दोनों पर्व खुशी एवं शांतिपूर्ण माहौल में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ सेलिब्रेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद जो कि हमारे साथ जो कि मौजूद थे, जो कि प्रशासनिक अधिकारी SDM सर और DSP सर हैं। काफ़ी अच्छा लगा बात करके और 26 जनवरी और गणतंत्रता दिवस के बारे में जानने का हम कोशिश किए, जो कि काफ़ी बेहतरीन ढंग से सर ने बताने का काम किए कि किस तरह से हमारा देश जो है इस लगभग 74 साल हो चुका है अभी हमारा देश का संविधान बनाया हुआ है, और काफ़ी अच्छा लगा बात करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कैमरामैन के साथ मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसोमित लाइव न्यूज़। थैंक यू, जय हिंद।